वराछा क्षेत्र में बिना डॉक्टर की सलाह के नशीली सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर खाद्य एवं औषधि विभाग के साथ मिलकर एसओजी द्वारा कार्यवाही की गई। एसओजी पुलिस ने दुकान पर छापा मारा और स्वास्थ्य चेतावनी के बिना अवैध रूप से बेचे जाने वाली ऐसे लाइट डेजाराम ब्लैक और विन किंग साइज की सिगरेट बरामद की। पुलिस ने दुकान से 12,000 रुपए कीमत के 61 पैकेट जब्त कर दुकानदार मनीष उत्तम पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर एसओजी पुलिस ने अडाजन पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपी दुकानदार मनीष की हिरासत अडाजन पुलिस को सौंप दी है। फिलहाल इस मामले में अडाजन पुलिस आगे की जांच कर रही है। सूरत के अडाजन इलाके में एसओजी पुलिस ने एक तंबाकू कारोबारी के यहाँ छापा मारा। पुलिस को व्यापारी द्वारा प्रतिबंधित स्वास्थ्य चेतावनी के बिना अवैध रूप से बेचे जाने वाली सिगरेट और ई सिगरेट की मात्रा मिली। पुलिस ने ऐसी 12 से अधिक सिगरेट जब्त कर कारोबारी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए एसओजी पुलिस की एक टीम ने दुकान पर छापा मारा। सूरत एसओजी पुलिस सूरत शहर में बिना स्वास्थ्य चेतावनी के अवैध रूप से सिगरेट ई सिगरेट और ई हुक्का बेचने वाले पान गल्लो और थोक तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर कड़ी नजर रख रही है। इस बीच एसओजी के हेड कांस्टेबल शैलेश कांतिलाल को सूचना मिली कि अडाजन आलिशान कॉम्प्लेक्स की दुकान नंबर G10 में थोक तंबाकू बेचने वाले अंबिका ट्रेडर्स ने अवैध रूप से बेचे जाने वाली सिगरेट की मात्रा की बिक्री के लिए रखी है। सूचना के आधार पर एसओजी पुलिस टीम ने दुकान पर छापा मारा। आ तपासनो विषय छे जे इंट्रोगेशन प्राथमिक इंट्रोगेशन थयुं छे एमां एमना जणाव्या प्रमाणे जे आ माणस छे एमने अधिकारी इन्कमटेक्स अधिकारीनी ओळख आपीने अधिकारीनी ओळख आपी हती एटला माटे एमने ગાડીમાં બેસવા દીધા એવું આ લોકોનું કહેવું છે। પરંતુ આ તપાસનો વિષય છે। તમામ પાસાઓની ઝીણવટપૂર્વક DCB અને ઝોન 3ની ટીમ તપાસ કરી રહી છે। આશા છે કે ટૂંક સમયમાં આ ગુનાનો ભેદ પણ સુરત પોલીસ ઉકેલી લેશે। તમામની પૂછપરછ ઝીણામાં ઝીણા તમામ પાસાની અને દિવસ દરમિયાન એ લોકોની શું મુવમેન્ટ હતી, શું બનાવ બનેલો છે, તમામ પાસાની તમામ અધિકારીઓ દ્વારા ઝીણવટપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે। 8 કરોડની વાત પોલીસ પાસે હજી આવેલી નથી। આ કદાચ મીડિયાની અંદર ચાલેલી વસ્તુ હોઈ શકે, પરંતુ એ અનુસંધાને પણ તપાસ કરવામાં આવશે। અત્યારે જે ફરિયાદી દ્વારા આપવામાં આવી છે એ પ્રમાણે જ પોલીસે ફરિયાદ નોંધેલી છે। અને ફરિયાદ જે છે એ સામે છે, પેરુબરુમાં લીધેલી ફરિયાદ છે। તપાસનો વિષય છે। આ વસ્તુ અત્યારથી જો ડિક્લેર કરશું તો એ ઇન્વેસ્ટિગેશનને અસર કરી શકે એમ છે। એટલે અલગ અલગ ટીમો દ્વારા ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલુ છે।